धंतोली पुलिस थाना अंतर्गत बीते कुछ दिनों से सार्वजनिक जगहों अस्पतालों से बाइक चोरी की घटनाएं सामने आ रही थी। इसी के चलते कार्रवाई करते हुए धंतोली पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया और उससे 6 गाड़ियां बरामद की है। इस मामले में पुलिस द्वारा आगे की जांच जारी है। धंतोली पुलिस थाना अंतर्गत बाइक चोरी की घटनाओं में इजाफा होता देखा जा रहा था। बाइक चोरी में कमी आए इस उद्देश्य से पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार के मार्गदर्शन में धंतोली पुलिस द्वारा अलग अलग प्रयास किए जा रहे थे। इसी बीच धंतोली पुलिस थाने में ऐसी एक बाइक चोरी की घटना सामने आई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया और उससे 6 मोटरसाइकिल जब्त की। इस संदर्भ में पुलिस निरीक्षक दिलीप लांडगे ने अधिक जानकारी साझा की। धंतोली पुलिस स्टेशन के आदि मध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये हॉस्पिटल्स, मार्केट एरिया, फुल मार्केट असल्याने नागरिक मोठ्या प्रमाणामध्ये तिथे उपचारासाठी आणि खरेदीसाठी येत असतात आणि आपली वाहनं रोडलगत पार्किंग करून ते आपल्या कामासाठी जात असतात। तर 29 तारखेला आमच्याकडे तक्रार प्राप्त झाली मोटरसायकल चोरीची की धंतोली पोलीस स्टेशनच्या हद्दीतील NRPL बिल्डिंगच्या पार्किंगमधून एक मोटरसायकल चोरीला गेलेली आहे। यापूर्वी देखील आमच्याकडून बऱ्याच मोटरसायकल चोरी गेलेल्या आहेत आणि त्या संदर्भात माननीय पोलीस आयुक्त श्री अमितेश कुमार सर आणि आमचे इतर वरिष्ठ यांनी आम्हाला वेळोवेळी मार्गदर्शन करून ह्या वाहन चोऱ्या कशा थांबवता येतील किंवा ह्या कशा उघडकीस आणता येतील याबद्दल आम्हाला मार्गदर्शन केलेलं आहे आणि आम्ही त्यांच्या वेगवेगळ्या आम्ही ट्रिक्स वापरून ते प्रयत्न करत होतो। इस मामले में पुलिस ने आरोपी विनय वाल्दी उम्र 26 साल को गिरफ्तार किया और पुलिस द्वारा इस संदर्भ में आगे की कार्रवाई जारी है। कैमरा पर्सन माइकल के साथ दिशा हटवार, BCN News नागपुर।